मेरे खाविंद और मेरा आपस में किसी बात पर झगड़ा हुआ। तो उस झगड़ा की बिना पर मेरे खाविंद ने मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दिया। मुझे माँ के घर आए हुए 3 साल का अरसा गुजर गया है। मेरा 4 साल का बेटा भी है। मुझे किसी कहने वाले ने बात कही कि अगर मियां बीवी के ताल्लुक में तवील अरसा गुजर जाए, इस सूरत के अंदर मियां बीवी का निकाह टूट जाता है। आपसे पूछना चाहती हूँ कि बाहर के मुल्क में रहने वाले लोग या तो घर में सालों बाद आते हैं, इस मसला की हकीकत क्या है? क्या निकाह फासिल हो जाता है या नहीं होता? अगर मियां बीवी के कुर्बत को तवील अरसा गुजर जाए, तवील से मुराद जब खावन ने बीवी को एक तलाक दी हो, उसको तलाक रजी कहते हैं। एक तलाक देने के बाद मियां बीवी आपस में रजू कर सकते हैं। उनके पास 3 महीने का वक्त होता है, उसके अंदर मियां बीवी आपस में रजू करना एक मोहलत निकल जाती है। अब 2 रह जाएंगी। एक तलाक के बाद रजू कर लिया, उसने अगर 3 महीने से पहले रजू करे तो कुछ नहीं होगा, मियां बीवी ही रहेंगे, फिर भी 2 मोहलतें बाकी रहेंगी। उस सूरत में फकहा फरमाते हैं, एक तलाक के बाद आपका अरसा इतना गुजर गया है तो इस सूरत में आपको तलाक वाकया हो जाएगी, तो आप मियां बीवी नहीं रहेंगे। बीवी चाहे तो निकाह करे या आगे किसी से निकाह कर सकती है। शरीयत ने उसकी कोई इद्दत मुकर्रर नहीं की है कि आप 3 दिन बाद कुर्बत करें, 4 दिन बाद करें। शरीयत ने कहा कि अपनी ताकत के मुताबिक तुम चाहो तो कुर्बत कर सकते हो, जिस तरह चाहो आप कर सकते हो। शरीयत ने उसे मुतय्यन नहीं किया है। ये कहना कि तवील अरसा गुजर गया है तो निकाह फासिल हो गया है, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे साल ना करो, 2 साल ना करो तो कोई मसला नहीं है, बल्कि जो ऊपर बयान किया जा चुका वो असल मसला है।